बहराई जल रहा है, पुलिस हांफ रही है, कहीं गोली चल रही है तो कहीं आग लग गई है। उत्तर प्रदेश का एक जिला सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हो गया है, और ये उस उत्तर प्रदेश में हिंसा हो रही है जहां की सरकार अपने कानून व्यवस्था को ही सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है। वहां पुलिस फेलियर पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से हिंसा फैली कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को कमान संभालनी पड़ी, सोशल मीडिया पर कार्रवाई की बात करने लगे। योगी आदित्यनाथ ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, जनपद बहराइच के मासिक में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देश किया है। एक तरफ योगी अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ जमीन पर लोग जाम लगाकर बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि अब आगे कोई नहीं जा रहा। इस पेड़ की लंबी लंबी जो डालियां हैं वो यहाँ पर डाल दी गई हैं और इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया एक तरीके से। और ऐसे में इस गांव के लोग हैं, हाथों में आपने देखा डंडे लिए हुए हैं। साफ तौर से माना यही है कि जब तक न्याय नहीं होता है, जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, वो चक्का जाम नहीं खोलेंगे। पुलिस फोर्स कोशिश कर रही है उनसे बात करने की कि उस चक्का जाम को खोला जाए, और कोशिश कर रही है क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो सामने हैं आपके कि बहराइच में जो स्टेटस है इस समय, आप पीछे देखिए जो गाड़ियां हैं वो कतार लगी हुई लंबी, लोग रुके हुए हैं बहराइच जाने के लिए, नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस फोर्स जो है पूरी तरीके से फेल है समझा पाने में, बात करना पाने पर। हालांकि प्रशासन भले ही कह रहा हो कि माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन जो स्थिति है ग्राउंड की वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी वो स्थिति बनी हुई है कि गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, कार्रवाई की बात की जा रही है, पुलिस फोर्स लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है, लेकिन जो स्टेटस है वो बिल्कुल ही अलग है यहाँ पर। और जमीन पर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका मानना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये चक्का जाम नहीं खोलेगा। बहराइच में 13 अक्टूबर की शाम को मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हो गया, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और गोलियां भी चलाई गई। पुलिस देखती रही और एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप सीधे स्थानीय हरदी थाना पुलिस पर लगे। लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस चाहती तो किसी की जान नहीं जाती। हरदी थाना की पुलिस, हम चाहते कि अभी अभी पूरी थाना गायब हो जाए पूरा। बस हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है। फिलहाल फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए हरदी थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन नाराज लोग मान नहीं रहे, मृत युवक के अंतिम संस्कार से इनकार कर रहे हैं। भराई से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।